हूँ शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और सुबह के 7:15 बज रहे हैं, 6:40 हो रहा है अभी टाइम, और हम अभी निकल रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पे आगरा, मथुरा और वृंदावन। तो हम अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं और रात तक हमारा प्लान है वापस आ जाने का। तो यस, अब हम सब जा रहे हैं और तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रिप को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। और यस, आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे। सो यस, और बस अब अभी निकल ही रहे हैं और ब्रेकफास्ट अभी हमने नहीं किया। प्लान है हमारा कि निकल जाएंगे और बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम। सो या, बने रहिए मेरे साथ। पहुंच गए हैं, अभी ताजमहल जा रहे हैं अंदर। हाय हाय, कितनी देर तक खाए करते हैं बिनोरे? आप जिस पार्टी से आए थे वो वीआईपी पार्टी है, आज जितनी भी वीआईपी जाते हैं इसी गेट से एंट्री करते हैं। इस गेट है और चेक कर आप पार्टी घूमने कहाँ आज जो भी आगरा प्रधानमंत्री आते हैं इसी पार्टी में। पार्टी के अंदर रोजा को कहा जाता है, समाधि को रोजा कहा जाता है। तो काफी वेरी इम्पोर्टेंट गेट है और इसे ध्यान से दीजिएगा। इसका रीजन मैं अंदर बताऊंगा। सही मायनों में शाया ने 3 शादियां करी थी सर। शाया की 3 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेग सर। थोड़ा सा सुनिए सर, जो पहली वाइफ है उनका नाम है फतेहपुरी बेग। अब जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था सरहंगी बेग। उनकी जो समाधि बैग साइड में जो सेकंड है यहाँ से अभी हमने एंट्री करी, और जो फर्स्ट वाइफ है उनकी समाधि बैग साइड में जो सेकंड, और मुमताज जो थर्ड वाइफ थी उनका वाइफ बिल्डिंग के अंदर। पूरा जो ताजमहल बना हुआ है सर 42 एकड़ में बना हुआ। ये आप रूम देख रहे सर, टोटल 210 रूम है सर। ये क्यों बनाए गए थे उसका रीजन था, क्योंकि 20,000 पीपल ने पूरा बिल्डिंग बनाया था, 20,000 लोगों ने। जो उनके ऊपर फोरमैन होते थे वो रेगुलर चेकिंग करते थे, कोई बंदा फ्री तो नहीं है, सब रेगुलर वर्क कर रहे हैं जाने। जब ये पूरा ताजमहल कंप्लीट हो गया, जो काफ़ी गरीब लोग होते थे उन्हें शाहजहाँ ने ये गिफ्टेड कर दिया था। और मैंने बताया ना, पूरा जो ताजमहल बना हुआ 42 एकड़ में बना हुआ, 42 एकड़ में। और पूरा जो ताजमहल बना हुआ 3 स्टोन्स के अंदर बना हुआ, रेड व्हाइट और ब्लैक स्टोन। आप जो रेड स्टोन देख रहे हैं सर, ये फतेहपुर सिटी
सीधे मंगाया जाता है। यहाँ से 40 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी, आगरा के ही अंदर है। जो व्हाइट मार्बल है राजस्थान मकराना, यहाँ से 400 किलोमीटर है राजस्थान। और होली बुक ऑफ कुरान, ये ब्लैक स्टोन है, ये बेल्जियम से आया था, यूरोप से आया था। जो ब्लैक स्टोन है, जो ब्लैक स्टोन का नाम है ब्लैक ऑनर। और ये पूरा जो ताजमहल बना हुआ है बैलेंसिंग में बना हुआ है, प्लस सेमेट्री के अंदर बना हुआ है। दो ही चीजें ऐसी है जो सेमेट्री में नहीं है, बैलेंसिंग में नहीं है, शाहजहां मुमताज की समाधि। क्योंकि मुमताज 30 के अंदर एक्सपायर हुई थी, 60-30 के अंदर, और जो शाहजहां थे वो 66 के अंदर एक्सपायर हुए थे। इसी वजह से वही दोनों चीजें ऐसी है जो सेमेट्री में नहीं है, बैलेंसिंग में नहीं। सर प्लीज सर, स्मॉल वाले डोम कौन सा ओपन, स्मॉल स्मॉल डोम कौन करें प्लीज दीदी। 22 11 फ्रंट है, 11 बैक, टोटल 22 डोम। ये इस बात की निशानी जो बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था 22 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। जो मेन गेट है सर, इसकी जो हाइट है 105 है, 105 फीट है, 35 मीटर 35 मीटर है। आप जो रेड बिल्डिंग देखें सर, इसके अंदर 95% पेंचिंग वर्क है डायमंड फ्रेम में, ओनली 5% इनले वर्क है। इनले वर्क होता है स्टोन को कटिंग करके सेकेंड स्टोन सेक्शन। आप जो व्हाइट बिल्डिंग देखेंगे सर, उसके अंदर 95% इनले वर्क है मोजाइक वर्क, ओनली 5% पेंचिंग वर्क है डायमंड। यहाँ से जो ईस्ट और वेस्ट जो साउथ गेट है, यहाँ से 3 जो लास्ट गेट है थर्ड वाला, यहाँ से भी एंट्री थी, लेकिन सेफ्टी की वजह से यहाँ से एंट्री बंद कर दी। और ये आप जो मेन गेट देख रहे हैं, ये मुगल टाइम में वेलकम गेट होता था। जो भी मुगल वगैरह आता था या उसकी कोई वीआईपी जाती थी, यहाँ पे वेलकम होता था। आज ये डिपार्टमेंट का ऑफिस है। ओके प्लीज पिक्चर वगैरह लेने हुआ था 1653 के अंदर, लेकिन जो मुमताज थी वो 1630 के अंदर एक्सपायर हुए थे। मुमताज जो एक्सपायर हुई थी वो एमपी के अंदर एक्सपायर हुई थी, बुरहानपुर के अंदर। यहाँ से एमपी जो है 800 किलोमीटर है बुरहानपुर, तो उनकी जो डेड बॉडी आई थी सर 120 डेज में आई थी, 120 दिन में, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं थी। तो उनकी डेड बॉडी को पहले गार्डन में रखा गया था लेफ्ट साइड में, जैसे 31 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी दीदी। तो पहले उनकी डेड बॉडी को रखा गया था, फिर उसके बाद में पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया था। ये देखिएगा नौबत खाना, चौधरी साहब 36 आने वाले। ये देखिएगा नौबत खाना,
ये म्यूजिक खेलनी भी कह सकता है। आप ये देख रहे हैं फाउंटेन, ये मुगल टाइम में भी चलते थे और आज भी चलते हैं, लेकिन मुगल टाइम में कैसे चलते थे, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं था। इसके पीछे पूरा वाटर सिस्टम बनाया गया था, 40 फीट की हाइट से वाटर प्रेशर दिया जाता था, उस वाटर प्रेशर से ये फाउंटेन चलता है, ये आज भी चलता है, लेकिन वो सिस्टम डैमेज हो गया, आज ये चलता है इलेक्ट्रिक से। सेकंड मस्जिद, क्योंकि शायद ये बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, रेगुलर पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास था। आपको मालूम है जो मुस्लिम लोग होते हैं वो एक साथ पूजा पाठ करते हैं इसीलिए। लेकिन सेकंड बिल्डिंग का कोई यूज नहीं था, सेकंड बिल्डिंग बनाए बैलेंसिंग के लिए, प्लस सेमेट्री के लिए, क्योंकि वो लोग वन साइडेड बिल्डिंग बनाते, सेकंड साइड बिल्डिंग नहीं बनाते, ब्यूटी नहीं आ पाती, बैलेंसिंग नहीं आती, इसी वजह से सेकंड बिल्डिंग बनाई और सेकंड बिल्डिंग का भी यूज़ करा। जब ध्यान से तुम्हें चलेगा, तुम्हारे काम की चीज़ है ये, जब पूरा ताजमहल कम्प्लीट हो गया, लेकिन सेकंड बिल्डिंग का भी यूज़ करना था, क्योंकि वो वन साइड बिल्डिंग बनाते, सेकंड साइड बिल्डिंग नहीं बनाते, ड्यूटी नहीं आ पाती, दोनों तरफ नगाड़े रखे गए। आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी है, उसमें नगाड़े बजाए जाते हैं, जब भी कोई मुगल आता था या उनकी कोई VIPs आती थी, यहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे, जो भी आर्मी होती थी वो अलर्ट हो जाती थी उनके वेलकम के लिए, प्लस सेफ्टी के लिए। राइट साइड में गेस्ट हाउस है, उसका भी कोई यूज नहीं था, सिर्फ बैलेंसिंग के लिए बनाया था, प्लस सेमेट्री। ये व्हाइट बिल्डिंग है, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई है वुड के ऊपर रखी गई है, दीदी वो क्यों रखी गई है, इसका रीज़न था, ये इंडियंस लोगों ने नहीं बनाया है, ये पर्शियन लोगों ने बनाया है। आपको मालूम है टर्की के अंदर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, भूकंप वगैरह, उन्हें इंडिया के बारे में कम नॉलेज थी, वो सोचते थे जैसे हमारी कंट्री के अंदर भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं ऐसे इंडिया में आते होंगे, इसी वजह से इसकी जो फाउंडेशन जो रखी गई वो वुड के ऊपर रखी गई। इसके नीचे 44 वेल हैं, कुएं हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि जैसे हमारे ये वैसे आगरा में भूकंप नहीं आता है, वैसे भी अच्छा। बहुत कम आता है, क्योंकि ये सेंटर में, पर जमुना जी का तो है भूकंप का है वैसे है, तो इसी वजह से इसके ऊपर वुड का फाउंडेशन बनाया था। अच्छा। उन्होंने सोचा ये भी हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा तो व्हाइट बिल्डिंग का कैसे केयर करेंगे, कैसे सेफ रखेंगे। ये 4 पिलर है दीदी, हल्के से माइनर टिल है, कभी भी भूकंप वगैरह आएगा तो ये आउटसाइड में जाएंगे, और ये व्हाइट बिल्डिंग है ना सेफ रहेगा। जो डोम देख रहे हैं अभी दीदी, अभी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रंट से आएगा, जो 2 pieces में है वो, 1 pieces में नहीं है, क्योंकि वो लोग 1 pieces में बनाते हैं, वेट ज्यादा हो जाता है और बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, इसी वजह से इसे 2 pieces में बनाया गया है, अंदर से स्मॉल है, बीच में गैप है, इसके ऊपर डोम बनाया गया। जो व्हाइट बिल्डिंग है इसकी हाइट है 295 feet है, ये पिलर देखें 275 है, जो कलश है 30 feet 6 inches है, और जो व्हाइट फ्रंट है इसका 275 feet है, जो पिलर का हाइट है वो फ्रंट का सेम है। ऊपर 200 नहीं, जहाँ पे लोग जी यहाँ से कम है, यहाँ से 245 feet है लगता, जो ऊपर जो लोग, अरे 40 feet होगा खड़ा है। और मैंने बताया था ना, ये ममता जो एक्सपायर हुई थी MP के अंदर एक्सपायर हुई थी, जो ममता एक्सपायर हुई थी वो डिलीवरी के टाइम एक्सपायर हुई थी, शाहियाँ मुमताज के 14 बच्चे थे, बाकी सब बच्चे एक्सपायर हो जाते थे, इनके बचते नहीं थे, एक्सपायर हो जाते थे, सिर्फ 6 बच्चे बचे थे, जिसमें से 4 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी, बड़ी बेटी का नाम था रोशनिया, छोटी बेटी का नाम था झारा, और बेटों का नाम था दारा, शिको, मुराद, औरंगदेव और शुजा। जो सबसे छोटा बेटा था औरंगदेव, उनने अपने फादर को हाउस अरेस्ट कर लिया था बाद में, और अपने तीनों भाइयों को किल कर दिया था और खुद राजा बन गया था। उन जो आगरा फोर्ट है यहाँ से ताजमहल से 1 kilometer दूर, और पार्किंग से 12-30 kilometer दूर, इसी वजह से ब्लैक ताज कम्प्लीट नहीं हो पाया दीदी। हाँ, वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, वहाँ से तो पूरा दिखता है, बैक साइड से भी दिखता है, आगरा फोर्ट से भी दिखता है, किले से भी दिखता है। अभी जो शाहियाँ पहले से कम्प्लीट होगा भी नहीं ना, वैसी क्योंकि अब वो डिपार्टमेंट के अंडर में ना, क्योंकि ये क्यों नहीं बन सकता दीदी ताजमहल, इसका रीजन क्या है, सेकंड बिल्डिंग बनाना चाहे, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, सही मायनों में ये लव सिंबल है, मोहब्बत की निशानी है, इस वजह से सेकंड बिल्डिंग नहीं बन सकता। सर दीदी आइए, बैलेंसिंग प्लस सिमेट्री भी दिखानी है अभी।
आगरा फोर्ट अंदर। यहाँ से 1 किलोमीटर है आगरा फोर्ट और वहीं पर शाहियाँ की नेचुरल डेथ हो गई थी 1666 के अंदर। इसी वजह से उनकी जो समाधि बाद में बनाई गई और यही चीज़ है जो सेमेट्री में नहीं है, क्योंकि मुमताज पहले ही बनी थी 1630 के अंदर और जो शाहियाँ थे वो 1666 के अंदर बनाए थे। जो उनकी छोटी बेटी थी जहरा वो अपने फादर से बेपना मोहब्बत करती थी और उन्होंने अपने फादर की केयर करने के लिए शादी नहीं करी थी। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने अपने फादर की समाधि अंदर बनवाई। उनके फादर ने उनके लिए शादी के लिए पैसा दिया था, उन्होंने शादी नहीं करी थी। आगरा फोर्ट के बैक साइड में मस्जिद बनवा दी थी जमा मस्जिद, और उसके बाद भी शादी नहीं करी थी। जो फोटो फ्रेम का जो डिज़ाइनिंग है सर, जो फोटो फ्रेम का डिज़ाइनिंग है ताजमहल से लिया गया, फोटो फ्रेम डिज़ाइनिंग जो ताजमहल का जो डिज़ाइनिंग है हमारी दिल्ली से लिया गया, हुमायूं टॉम से। दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम है, हुमायूं टॉम से डिज़ाइनिंग किया गया। सर एक क्वेश्चन लास्ट करते उसके बाद नीचे चलते आइए। मैं तब इधर क्यों आएंगे, ये पिलर है प्लेटफॉर्म है, हाइट में नहीं बताना, लेंथ में बताना, कितने पीस में है, चौड़ाई में। कौन सा पिलर? ये ब्लैक और वाइट वाला। कितने पीस वो? अच्छा ये किए हो गया दो तीन पीस। ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए ना कि ये 6 पीसेज में ना कि 3 पीसेज में, एक ही है, ओनली 1 पीस। भाई हम भी सोच रहे हैं कि जिग-जैग ऑप्टिकल मूव आपको बता कैसे बनेगा, क्या कटिंग किया होगा, क्या कटिंग किया होगा, कैसे किया होगा। अभी हम लंच खाने के लिए कहीं रुके हैं यमुना एक्सप्रेस पे। बज रहे हैं अभी। सो प्लान हमारा कुछ ऐसा था, सुबह हम निकले थे
7 बजे 7:30 अराउंड, और वहाँ से हम गए आगरा, ताजमहल देखा हमने, और फर्स्ट टाइम था हमारा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। एंड आफ्टर दैट हम गए वृंदावन मथुरा, और वहाँ पे मंदिर गए हम, कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ गए हम। सो ये था आज का मेरा ब्लॉग। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ अपना ये ब्लॉग। थक गए हम, अभी डिनर करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे, बहुत थक चुके हैं। डिनर अभी करना बाकी है। हमारा प्लान था कि बाहर ही कुछ डिनर करते, बट घर पे डिनर बन चुका था, तो ऑब्वियसली घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। सो यस, अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।